हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो ऑलमोस्ट ये है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 6। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ था बेसिस का क्लासिफिकेशन, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है। तो हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ें पढ़ी थी, उसमें आपके पास काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़े थे। ऑलमोस्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, क्लियर? कि जो आपके पास बेस है उनकी क्या क्या ऑलमोस्ट किस किस के साथ रिएक्शन करके क्या क्या आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आपके पास यूजेज, और एक बहुत अच्छी सी एक्टिविटी है जो आपको ये बताएगी कि एसिड और बेसिस में हीट प्रोड्यूस होती है जब आपके पास वाटर के साथ मिलाते हैं, उनको कैसे हमारे पास कैसे हम इसको प्रूव आउट कर सकते हैं, क्लियर? सो अच्छा सा लेक्चर होने वाला है आज, तो स्टार्ट करते हैं आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, क्लियर? कि मतलब आपके पास जो बेसिस हैं उनकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे वर्कआउट करने वाले हैं। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज तो बहुत सिंपल सी है हमारे पास। यदि हम बात करें आपके पास पहली केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो आपके पास आपको पता होगा लिटमस के साथ क्या होता है कि जो बेसिस होते हैं वो, यदि आपके पास रेड लिटमस है ना, तो यदि आपके पास रेड लिटमस है तो रेड लिटमस के साथ वो आपका कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ब्लू कलर में। और यदि आपके पास ब्लू लिटमस है तो हमारे पास आपके पास उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हो नो चेंज इन कलर, क्लियर? तो पहला तो हमारे पास था आपके पास लिटमस के भी, आप ये भी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ा था आपके पास, याद करिए हमारे पास इंडिकेटर का लेक्चर, वहाँ पर हमने पढ़ा था लिटमस आपका लीचेन नंबर प्लांट से मिलता है, ऑलमोस्ट आपका इनिशियली ऑरेंज कलर का होता है, याद है कुछ? बोले सर याद नहीं आया, तो मतलब अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, यूटिलाइज करो भाई, देखो बहुत अच्छे से पढ़ो, हमारे पास बात समझ में आ रही है, ऐसे पढ़ो कि हाँ ये पहली बार नहीं आखिरी बार पढ़ रहे हैं, ये मत सोचो हमारे पास कि अभी छुट्टियाँ चल रही हैं इसलिए पढ़ रहे हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास, अपने टॉपिक को क्लियर करो, स्ट्रेंथ दो इसमें स्ट्रेंथ। दूसरा हमारे पास था आपके पास किसी भी इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं डायरेक्टली मेन पॉइंट पे, रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल। कि यहाँ पर आपके पास हम ये पढ़ेंगे कि जो आपके पास मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे हमारे पास कौन बेसिस और क्या क्या सब्सटेंस फॉर्म करते हैं हमारे पास, वो हम आपके पास पढ़ेंगे। तो यहाँ देख लीजिएगा हमारे पास जैसे मेटल है, अब मेटल के साथ हमने रिएक्शन करा दी किसकी, ऑलमोस्ट किसी बेस की, तो वहाँ से आपके पास फॉर्म कर देगा क्या, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अच्छा, ये वही आपके पास कंडीशन है जो हमने पढ़ी थी एसिड के केस में, हमने पढ़ा था कि यदि हम किसी भी एसिड की रिएक्शन यदि मेटल के साथ कराते हैं तो वहाँ से आपके पास क्या फॉर्म करेगा, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, क्लियर? अब इसकी रिएक्शंस काफ़ी अच्छी लगने वाली है आपके पास। बोले सर अच्छी कैसे लगेंगी, क्योंकि काफ़ी नए नए कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं। अब देखिए जरा, जैसे हमने आपके पास जिंक की रिएक्शन करा दी किसके साथ, NaOH के साथ, तो अब यहाँ से जो फॉर्म होगा सॉल्ट वो होगा Na2ZnO2, है अच्छी रिएक्शन? बोले हाँ सर लग तो रही है, प्लस वाटर, बात समझ में आ रही, सॉल्ट प्लस वाटर, ये हमारे पास आपके पास कंडीशन होती है कि सॉरी यहाँ पर आपका मेटल प्लस बेस था ना, तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, एसिड बेस होता तो सॉल्ट होता ना वाटर के साथ, तो यहाँ से आपके पास हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व कर रही है। तो अब आप इसमें देखना जरा, यहाँ पर क्या है, जिंक है, जिंक रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यहाँ से जो उसने फॉर्म किया है हमारे पास, इसी को बोलते हैं हम क्या, सोडियम जिंकेट, क्लियर? और हाइड्रोजन गैस आपकी स्केप आउट कर गई। रिएक्शन को बैलेंस करना है वो आप अपना सेल्फ कर सकते हो, उसको तो हमें बताने की जरूरत है नहीं। यदि हम आपके पास दूसरी रिएक्शंस पे जाएं तो हमारे पास यहाँ से हो जाता है आपके पास एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम की रिएक्शन जब आप NaOH के साथ करोगे, तो याद रखना हमारे पास कि एल्यूमिनियम की रिएक्शन जब NaOH के साथ करोगे आप, तो फॉर्म हो जाता है NaAlO2 प्लस H2। बोलो सर इसमें याद क्या रखना था, तो हम बता रहे हैं, अभी वेट कर लो, इसको बोलते हैं हम सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बोलते हैं आपके पास, सोडियम एल्यूमिनेट, क्लियर? अब याद इसमें ये रखना था, ये रिएक्शन कभी बैलेंस नहीं हो सकती जब तक कि आप इसमें यहाँ पर वाटर ऐड ना करो। इस रिएक्शन में वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन इस रिएक्शन में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्शन करता है, तब जाकर के आपका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन आपका प्रोड्यूस होता है। अब एक चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से हमें आपको कन्वे करनी थी, आप देख रहे हो कि हम आपके लेक्चर्स ऑलमोस्ट पार्ट बाई पार्ट बना रहे हैं, टॉपिक बाई टॉपिक। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, हमें पढ़ने केवल 5 ही चैप्टर केमिस्ट्री के, पढ़ा पूरा साल है, अब ये मत बोलना बाकी सब्जेक्ट्स भी, लेकिन जब आगे आ पाओगे तो आपको पता चलेगा कि 15-15 चैप्टर पढ़ने होते हैं 11th में, है ना? तो डैट इज़ द रीज़न, अभी तो 5 ही है, बात समझ में आ रही है? तो हम आपकी हैबिट डाल रहे हैं, टॉपिक बाई टॉपिक आप कवर करिए, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, आगे बढ़ते जाइए, बात समझ में आ रही है? हमारे पास एक वीडियो लेक्चर जितने भी मिनट का होता है डजन मैटर, आप ये देखो उस वीडियो लेक्चर के अंदर कितना कंटेंट था, और कोई भी कंटेंट आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है। यदि आप 10th में हो तो इट्स फॉर यू, ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं। तो यदि आपको ये लग रहा है कि सर ने इतना डिटेल में बता दिया, ये हो गया वो हो गया, तो ये आप ये सोचो कि जो हमने बताया क्या वो ज़रूरी नहीं था, डैट वॉज नॉट बेनिफिशियल। आप इसको एक बार ऑलमोस्ट फाइंड आउट करो,
यदि बेनिफिशियल था तो सारा पढ़ो, और लग रहा नहीं था तो कोई जरूरत ही नहीं हमारे पास। बात समझ में आ रही है हमारे पास, क्लियर है? सो एवरीथिंग वॉट एवर यू जस्ट वॉन्ट टू डू यू कैन, बट एवरी टाइम रिमेंबर कि क्या सही है और क्या गलत है। बात समझ में आ रही है हमारे पास। खैर छोटा सा टॉपिक। अब यहाँ पर तो हमने मेटल के साथ रिएक्शन करा दिया, हम सपोज करिए मेटलॉइड ले लें, हम उसके साथ रिएक्शन कराएं, सेम यहाँ पर भी आपके पास, यहाँ पर भी आपके पास वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, और यहाँ से फॉर्म हो जाएगा Na2SiO3 प्लस H2, क्लियर? इसको बोल देंगे हम क्या, सोडियम सिलिकेट। तो यहाँ से आपके पास ये समझ में आ गया कि जब कभी भी आपके पास कोई भी मेटल जो अब आपके पास बेस के साथ कंबाइन होगी तो वहाँ से फॉर्म करेगी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, एंड दैट वॉज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, क्लियर? थर्ड नंबर पे आ जाते हैं आपके पास। थर्ड नंबर आपके पास यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। क्लियर? अच्छा, इस रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड से पहले एक और चीज़ आपको हम क्लियर कर दें, उसी में जब आपके पास, या फिर इसी में कर देंगे आपके पास, नो प्रॉब्लम। खैर, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, अब यहाँ पर देखिए जरा हमारे पास हो क्या रहा है। यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसी कंडीशन जनरेट हो रही है कि यदि हम आपके पास ऑलमोस्ट कोई भी बेस ले लें, जैसे हमने सपोज करिए ले लिया क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब हम इसकी रिएक्शन करा दें किसके साथ, CO2 के साथ, अब ये क्या है आपके पास, मेटल ऑक्साइड ही तो है, सॉरी मेटल ऑक्साइड क्या हमारे पास, हम ये कह सकते हैं आपके पास कि ऑक्साइड है आपके पास। अब यहाँ पे आपके पास नॉन मेटल आप बोलिए इसको, क्योंकि मेटल मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्शन कर जाएगा, है ना? तो यहाँ से हमारे पास ये क्या हो गया, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा जब ये रिएक्शन होगी तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है, ये रिएक्शन बहुत बार बोर्ड में पूछी गई है, लिमिटेड। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास हो रही है। जैसे आपने पढ़ेंगे आगे कि कंबर्सन जो होता है, मतलब बर्निंग किसी चीज़ की होती है, या तो ऑक्सीजन लिमिटेड क्वांटिटी में है और या ऑक्सीजन एक्सेस क्वांटिटी में, तो ये ऐसे यहाँ पर भी ये आपके पास लिमिटेड क्वांटिटी, और जब ये लिमिटेड क्वांटिटी में होती है तो वहाँ से फॉर्म होता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर? बात समझ में आ रही है कि जब आपके पास ये लिमिटेड क्वांटिटी में होगी तो वहाँ से फाइंड आउट होगा कैल्शियम कार्बोनेट, और ये कैसा होता है हमारे पास, व्हाइट कलर का होता है, और डैट इज द रीजन कि जब आपके पास, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं। तो आपने पढ़ा भी हुआ है, हमने बताया भी हुआ है इससे पहले वाले लेक्चर्स में आपको, CO2 का टेस्ट पढ़ाया था, यदि आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें CO2 गैस है तो आप उसका जो गैस पास आउट हो रही है उसको लाइम वाटर में पास आउट करा दो, कहने का लफ्स लेक लाइम में। यदि कलर इसका मिल्की हो गया, इसका मतलब आपके पास वो गैस CO2 है। ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो गैस आपकी निकली उसको आप यदि लाइम वाटर सॉल्यूशन में पास आउट करा दें तो उसका कलर मिल्की हो जाएगा। मिल्की क्यों हो जाता है, क्योंकि फॉर्मेशन हो जाता है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। बात समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या थी, वो ये थी कि यदि आपके पास उसको आपने ज़्यादा क्वांटिटी पे मिला दिया, कहने का मतलब यहाँ पर CO2 क्या हो गया, एक्सेस, और ये आपका वाटर की प्रेजेंस में होता है, तो यहाँ से फॉर्म हो जाता है क्या, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और ये कैसा होता है हमारे पास, ये आपका सोलूबल होता है, किसमें, सोलूबल इन वाटर। तो कह सकते हैं हम आपके पास कि जो मिल्की कलर आया है, हैंस मिल्की कलर डिसअपीयर्स, कि जो मिल्की कलर आता है वो हमारे पास क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ये फॉर्म होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये वाटर में सोलूबल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम से पूछी गई हमारे पास, इसलिए हमको ये पता होना चाहिए। तो ये बात समझ में आ गई, यदि लिमिटेड सप्लाई में कार्बन डाइऑक्साइड है तो आपके पास मिल्की कलर रहेगा, लेकिन यदि आपने उसकी क्वांटिटी और बढ़ा दी तो फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्म हो जाता है, जो कि वाटर में सोलूबल होता है, और जब वाटर में सोलूबल हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कलर कहाँ बचेगा उसमें। बात समझ में आ रही है हमारे पास, क्लियर है? सो दैट वॉज ऑल अबाउट कि जब रिएक्शन आपका किसके साथ रिएक्शन कर रही है, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, तो क्या फॉर्म कर रही है हमारे पास, रेस्पेक्ट टू सॉल्ट प्लस वाटर। ऐसे ही आपके पास यदि और देखना चाहो तो आप देख लो, KOH के साथ ले लो, KOH की रिएक्शन करा दो आप किसी के साथ, KOH किसी रिएक्शन आप करा दो, सपोज करो हमारे पास SO2 के साथ, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास, यदि आप KOH की रिएक्शन करा दोगे SO2 के साथ तो यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास KSO3, K2SO3, है ना, पोटेशियम सल्फाइड प्लस H2, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस कराना है यहाँ पर, 2 का मल्टीप्लाई करा दो, बैलेंस हो गई हमारे पास। तो यदि आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करा दी किसके साथ,
सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड ही तो है, क्योंकि सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, और ऑक्साइड में आपके पास ऑक्सीजन आपका सिंपल सा कंबाइन हो रहा है, तो ये हो गया आपके पास नॉन मेटल ऑक्साइड। तो फॉर्म क्या कर रहा है हमारे पास, देखो पोटेशियम जब कंबाइन होगा तो यहाँ से फॉर्म हो गया क्या, पोटेशियम सल्फाइड प्लस हमारे पास वाटर आपका एस्केप आउट कर गया। बात समझ में आ रही है, ओवरऑल समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है हमारे पास, कि जब कभी भी हमारे पास बेस कंबाइन होगा नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ तो फॉर्म क्या होगा वहाँ से, सॉल्ट प्लस वाटर। बात समझ में आ रही है, जिसमें एक चीज़ हमको याद रखनी है सबसे इंपॉर्टेंट, क्या जब एक्सेस क्वांटिटी में हमारे पास CO2 हो जाएगी तो वो फॉर्म करती है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जहाँ से मिल्की कलर उसका डिसअपियर हो जाता है। क्लियर, अब इससे एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास और अच्छा सा फ्रेम होता है। सो आ जाते हैं क्वेश्चन पे, हमारे पास लिखा हुआ हमारे पास सीधा सा, जस्टिफाई Al2O3 इज एम्फोथेरिक ऑक्साइड। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सर कौन सा ऑक्साइड आपने बोल दिया, हमने तो एसिडिक सुना था, बेसिक सुना था, ये आपके पास नया ऑक्साइड आ गया। तो ये ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं, जो बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं। अब बहुत ध्यान समझना जरा, इससे पहले वाली रिएक्शन में क्या हुआ था, CaOH2 की रिएक्शन हमने CO2 के साथ कराई थी। तो ये CO2 कैसी थी हमारे पास, ये थी हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ था, हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक ऑक्साइड होती है, मेटल ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होती है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड क्योंकि एसिडिक ऑक्साइड है तो बेस के साथ रिएक्शन कर गई, तो एसिड बेस रिएक्शन करने के बाद सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म कर देगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं थी। बात समझ में आ गई हमारे पास, यदि हम यहाँ पर कोई मेटल ऑक्साइड ले लें तो यहाँ पर हमारे पास किसको होना पड़ेगा, यस एसिड को होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मेटल ऑक्साइड तो बेसिक हो गई, तो अब वो किसके साथ रिएक्शन करेगी, एसिड के साथ, तब जाकर के फॉर्म कर देगी सॉल्ट प्लस वाटर। बात समझ में आ रही, मतलब ये आपके पास एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगी, क्लियर। ऐसे हमारे पास जो मेटल ऑक्साइड होगी वो आपका किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगी, बेस के साथ। लेकिन ये जो ऑक्साइड्स होती हैं ये एसिड के साथ भी रिएक्शन कर जाती हैं, बेस के साथ भी कर जाती हैं। कहने का मतलब कि जब ये एसिड के साथ रिएक्शन कर रही होंगी तो ये बेसिक ऑक्साइड होंगी, तभी तो बेसिक बेस और एसिड कंबाइन होगा। लेकिन यदि ये बेस के साथ कंबाइन हो रही होंगी तो ये एसिडिक ऑक्साइड होंगी, मतलब ये आपके पास ज़रूरत पड़ने पर एसिडिक बिहेवियर भी शो करती हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करती हैं, डैट इज़ रीजन दोनों इनके पास बिहेवियर होते हैं, इसलिए कहते हैं इनको क्या, एम्फोथेरिक ऑक्साइड। बात समझ में आ रही है, बोलो सर क्या एक ही है, नहीं भैया और भी है, ZnO भी है, और भी बहुत सारी है ना, बेरियम ऑक्साइड भी है, लेकिन हमको पढ़ना केवल यही है ना, ज़्यादा मत जाओ, नहीं खुद ही बोलोगे बाद में सर इतना क्यों पढ़ा रहे हो। तो ये हम रिएक्शन पढ़ लेते हैं जो कि बोर्ड में काफ़ी पूछी जाती हैं, Al2O3 की हमने रिएक्शन करा दी किसके साथ, हमने पहले रिएक्शन करा दी किसके साथ, एसिड के साथ भाई। जब हमने एसिड के साथ रिएक्शन करा दी तो यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास सॉल्ट प्लस वाटर, कोई दिक्कत नहीं थी भाई, साफ साफ दिख रहा था। बैलेंस करानी थी हमको तो यहाँ पर हमने 2 करा दिया, यहाँ पर हमने 6 करा दिया, यहाँ पर हमने 3 करा दिया, बैलेंस हो गई। क्लियर है कि यहाँ पर आपका ये बेस के एसिड के साथ कंबाइन हुआ, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म कर दिया, डैट मीन्स ये नेचर कैसा हो गया इसका, बेसिक, क्यों, क्योंकि एसिड के साथ कंबाइन कर रहा है। दूसरी रिएक्शन इसमें आपको याद रखना है, हमने रिएक्शन करा दी किसके साथ, NaOH के साथ, NaOH क्या है हमारे पास, बेस। अब यहाँ से फॉर्म होगा वही कंपाउंड जो हमने इससे पहले वाले किया था केस में, NaAlO2 डैट इज सोडियम एल्यूमिनेट प्लस H2O, वहाँ पर हाइड्रोजन था यहाँ पर H2O था। याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको हमें क्या बतानी थी, नोट देखिएगा यहाँ पर एक लिख लीजिएगा, यदि हमने Al के साथ Al की रिएक्शन कराई NaOH के साथ, क्लियर, तो यहाँ से भी वही फॉर्म होता है NaAlO2, लेकिन ये रिएक्शन कभी भी बैलेंस नहीं करा सकते जब तक कि यहाँ पर आप H2O ऐड ना कराओ। लेकिन यदि Al2O3 के NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो यहाँ पर H2O की ज़रूरत हमको नहीं पड़ती है, रिएक्शन ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाती है। बात सुन रहे हो, तो कुछ चीज़ें हमेशा याद रखनी पड़ेंगी, ये चीज़ तो याद रखनी पड़ेगी, एज वेल एज आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, तो दिस वन इज बेस और ये है एसिडिक की तरीके बिहेवियर कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जब कभी भी एसिड बेस के साथ कंबाइन होगा सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करेगा, हमेशा 101% आपको लिख के रखना है। तो इसलिए आपके पास ये प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाती है, रट्टा नहीं मारना है, समझना है इनको, एक बार समझो बेसिक क्या है, बेसिक पकड़ में यदि आ गया ना सारी रिएक्शंस रट जाएंगी, डर नहीं लगेगा केमिस्ट्री से तुमको, लेकिन यदि बेसिक पे तुमने वर्कआउट नहीं किया तो सोचो रट लूँ मैं, कितनी रटोगे, एक रिएक्शन है क्या। बात समझ में आ रही, सो दैट इज रियल वर्क ऑन द क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ नंबर पे हमारे पास, फोर्थ नंबर हमारे पास रिएक्शन
विथ एसिड्स। अब रिएक्शन किसके साथ हो रही है हमारे पास, एसिड के साथ, और इसी को हम बोलते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आप सोचोगे सर ये तो पहले ही पढ़ा चुके हो, बात समझ में आ रही है? तो वही हम आपसे बता रहे हैं कि हम आपको मोस्टली ये चीज़ें पढ़ा देते हैं, क्यों ऐसा, क्योंकि जब वो चीज़ दोबारा आएगी आपके पास तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। बोले ये बात सही है सर, सही तो सब कुछ है, फोकस तो करो आप। NaOH की रिएक्शन HCl के साथ करा दें, बहुत पुरानी रिएक्शन, तो यहाँ से फॉर्म क्या हो जाएगा, NaCl प्लस H2O। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये नहीं बता पाता कि इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, वाई वी कॉल इट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या ऐसा हो जाता है इसमें, है ना? तो आप बोल दोगे सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है, तो भैया सॉल्ट प्लस वाटर से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह दोगे क्या, बताओ। खैर देखो जरा होता क्या है, होता ये है कि जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो मिलता है Na प्लस और OH माइनस, जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो क्या मिलता है, H प्लस Cl माइनस। तो होता क्या है कि ये जो आपका NaOH है Na प्लस, वो आपके पास कंबाइन हो जाता है किसके साथ, Cl माइनस के साथ, और इसका OH माइनस इसके H प्लस के साथ कंबाइन हो जाता है। कहने का मतलब समझिएगा, वाटर कैसे फॉर्म होता है, वाटर वाटर ऐसे ही तो फॉर्म होता है, कैसे, H प्लस और OH माइनस से, क्लियर, ये तो कंडीशन है। तो वही यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन का मतलब, ये न्यूट्रल कंपाउंड है, वाटर कैसा, न्यूट्रल कंपाउंड है ना, और किससे फॉर्म होता है, एस प्लस और एस माइनस से, क्योंकि आपके पास जब एसिड बेस के साथ कंबाइन होता है, बेस एसिड के साथ कंबाइन होता है, तो वहां से एक न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म होता है जिसको हम वाटर बोलते हैं, और दैट इज रीजन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बात समझ में आ रही, तो हम लोग डेप्थ पे वर्क कर रहे हैं, है ना, केवल हम उस पर थ्योरी पे वर्क नहीं कर रहे हैं कि नहीं भैया हमने थ्योरी रट डाली बस काम खत्म हो गया हमारे पास, क्लियर है? तो ये था हमारे पास लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है आपके पास बेस की, दैट इज रिएक्शन विद एसिड्स। अब आ जाते हैं हम आपके पास उसके यूजेस की, मतलब आपके पास कैसे हम आपके पास बताएंगे कि किसका क्या यूज, हमने एसिड्स में ही पढ़ा था सबके यूजेस, क्लियर? तो आप देख रहे होंगे बोर्ड पे सामने हमारे पास एक टेबल आ जाएगी, देखिएगा हमारे पास यूजेस की, पहला यूज देखिएगा हमारे पास फर्स्ट नंबर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर, NaOH नाम है इसका फॉर्मूला, क्या लिखा हुआ, इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर फाइबर सोप्स एंड डिटर्जेंट, क्लियर, कि जो भी हमारे पास ये चीज़ें होती हैं इनके मैन्युफैक्चर में हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सेकेंड नंबर हमारे पास है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सीधा सा लॉजिक सॉफ्ट सोप, एज वेल एज स्पेस मिशन में आपके पास CO2 एब्जॉर्ब करने के लिए जो एक्सेस CO2 होती है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम इट्स पॉइजनिंग, कि मतलब आपके पास जो गैसेज होती है जब पॉइजनिंग हो जाती है तो उसको पॉइजनिंग होने से क्या करता है, उसको प्रिवेंट करता है, ताकि यदि पॉइजनिंग हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी, सफोकेशन होगा, डेथ हो सकती है, सो डैट इज एरियन उसको प्रिवेंट करता है। और ऑल्सो आपके पास जो बैटरीज होती हैं उसमें आपके पास कितनी इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में भी आपका यूज करता है, ताकि उससे कंडक्टिविटी क्या हो, फास्ट हो सके। H2SO4 भी यूज किया जाता है किसी किसी केस में। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सीधा सा लॉजिक है मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, अभी इसी चैप्टर में आगे आप पढ़ोगे ब्लीचिंग पाउडर, है ना, जिसको बोलते हैं क्या, यस, लाइम ऑफ क्लोरीन, दैट इज CaOCl2, आगे पढ़ोगे इसी चैप्टर में आपके पास एक कंपाउंड बढ़िया अच्छा सा आएगा, उसको प्रिपेयर करेंगे पूरा। तो लिखा हुआ ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, उसके बाद डिटेक्शन ऑफ CO2, अभी अभी पढ़ा हमने आपके पास कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास आउट कराएंगे CO2 के, यदि कलर मिल्की हो गया मतलब CO2 गैस है, तो इसलिए डिटेक्शन ऑफ CO2 एज वेल एज रिमूवल ऑफ एसिडिटी फ्रॉम द सॉइल, ये तो हमने पढ़ा ही हुआ था कि जो सॉइल होता है उससे आपके पास एसिडिटी को ये क्या करता है, रिमूव करता है, मतलब उसकी pH वैल्यू को आपके पास बढ़ा देता है, ठीक है। नेक्स्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है हमारे पास, यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हेयर डाइज, विंडो क्लीनर, एज वेल एज रिमूवल ऑफ स्टेन्स, सेम लॉजिक हमारे पास लैब रिएजेंट, लैब रिएजेंट का मतलब कि जो लैब में आपके पास कुछ रिएक्शंस होती हैं उसमें आपके पास प्रोसीड कराने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सीधा सा लॉजिक, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में आपके पास मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही बोलते हैं इसको हम, और ये आपका फॉर्म यूज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ जेल एंड सस्पेंशन, तो हमने पढ़ा भी हुआ आपके पास क्लास 9th में कि जेल क्या होता है और सस्पेंशन क्या होता है। सो ये थे हमारे पास यूजेस। अब हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि एसिड और बेस हमारे पास मोस्टली फिनिश हो गया, मोस्टली इनमें कॉमन क्या होता है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन एसिड एंड बेसिस। सो ये हमारे पास एक अच्छी सी एक्टिविटी के थ्रू हम पढ़ेंगे इसको, हम देखते हैं जरा कॉमन इन एसिड्स एंड बेसिस, दोनों में कॉमन एक चीज होती है हमारे पास काफी, क्या, कि जो एसिड्स होते हैं मोस्टली हमने पढ़ा हुआ है एसिड्स क्या डोनेट करते हैं, एच प्लस, और हमने पढ़ा हुआ है बेस क्या करते हैं, OH माइनस। अच्छा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखिएगा हमारे पास क्या, कि जैसे हमारे पास HCl है ना, अब HCl हमारे पास है गैस फॉर्म में और हमने कुछ ऐसा लिख दिया एच प्लस प्लस Cl माइनस, क्या ये सही है, सही है ये, या हमने सपोज करो NaOH लिखा हुआ है सॉलिड फॉर्म में,
हमने लिख दिया आपके पास NaOH को बोला था पैलेट्स फॉर्म में। पैलेट्स का मतलब समझते हो, पैलेट्स का मतलब होता है जैसे जिंक ग्रैनुअल होता है, ग्रैनुअल का मतलब स्मॉल स्मॉल पीसेज में, वैसे ही पैलेट्स होते हैं। पैलेट्स का मतलब क्रिस्टल की फॉर्म में स्मॉल स्मॉल, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल गया हमारे पास Na प्लस OH माइनस, कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं दिक्कत है, सही है सर। इसीलिए कह रहे हैं आईज कीन रखिए, कीन का मतलब सार्प, लोमड़ी की तरीके, खैर। तो यहाँ से ये क्या हो गया हमारे पास, दोनों रॉन्ग है। रॉन्ग इसलिए है हमारे पास क्योंकि ये एसिड हो या बेस, ये तब तक आयनाइजेशन शो नहीं करते जब तक कि आपका वाटर ना हो। वाटर यदि नहीं होगा तो ये आयनाइजेशन आपका शो नहीं करेंगे, कभी भी आपका ये स्प्लिट नहीं होंगे। तो मतलब होता क्या है हमारे पास, वाटर के होने से ऐसा क्या हो जाता है कि आपके पास ये आयनाइज हो जाते हैं? तो हमें एक टर्म ध्यान से रखनी चाहिए, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर, पोलर का मतलब होता है जहाँ पर चार्ज सेपरेशन जो होता है वो आपका एग्जिस्ट करता है, क्लियर, चार्ज सेपरेशन एग्जिस्ट। और नॉन पोलर का मतलब होता है आपके पास जहाँ पर चार्ज सेपरेशन डज नॉट एग्जिस्ट। आगे और भी कहानी होती है जब 11th में जाओगे, अभी आपके समझाने के अकॉर्डिंग हम आपको इतना समझा दे रहे हैं जो आपके मतलब का है, चार्ज सेपरेशन डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर। कि यहाँ पर चार्ज सेपरेशन एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर चार्ज सेपरेशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब आपको समझना ये है कि जो वाटर होता है हमारे पास, ध्यान समझना, वाटर H2O, तो यहाँ पर हम जब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो समथिंग कुछ ऐसा बनता है, ये हमारे पास वाटर है, एक एक बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। बोलो सर ये कैसे फॉर्म कर गया? ये ऐसे फॉर्म कर गया हमारे पास क्योंकि ऑक्सीजन होता है 2.6 और हाइड्रोजन होता है 1। हम आपको सारा बता रहे हैं, आप देख लो। तो होता क्या है कि ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी मानते हो? मानते हो कि नहीं मानते हो? बोले मानते हैं सर, सब मानते हैं सर, खैर ये है ना। तो अब इसको ऐड करने हैं और इसको भैया दो करने हैं, ध्यान समझना, ये चौथे चैप्टर में पूरा डिटेल में है, पूरा डिटेल में टॉपिक, जिसको बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। बात समझ में आ रही? अब देखो 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके पास 1 है, 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमने एक सर्किल बना करके रख दिया। अब होगा क्या, ये ऐड करना चाहता है, क्यों? क्योंकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, स्टेबल होना है अपने आप को, तो भैया ये ऐड करना चाहता है, इसको स्टेबल करना है, ये एक और करना चाहता है, ये दो करना चाहता है। तो होगा क्या कि ना तो ये इलेक्ट्रॉन पूरा अपना इसको दे सकता है और ना तो ये इलेक्ट्रॉन इसको अपना पूरा दे सकता है। तो होगा क्या कि दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, ये बोलेंगे भैया जब हमको जरूरत पड़ेगी तो तुम अपना इलेक्ट्रॉन हमारे सामने दिखा देना। कहने का मतलब कि जब हमारी शादी वाले आएंगे तो दिखा देना कि हमारे पास इतनी ज़मीन है, अपनी दे देना थोड़ी बहुत चीज़ें, और ये बोलेंगे जब हमारे पास आएंगे तो आप हमको दे देना। तो मतलब इससे दोनों का क्या हो जाएगा, भौकाल हो जाएगा, खैर बात समझ में आ रही है। तो होगा क्या हमारे पास कि ये दोनों एक दूसरे को नहीं देते, करते क्या है ये शेयरिंग कर लेते हैं, बोले ठीक है हम तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, वो बोला तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं, पता नहीं तुम कह दो बाद में कि मेरी है ये चीज़, तो हम क्या करते घूमेंगे, तो क्या करते दोनों शेयरिंग कर लेते हैं। बोले यदि तुमको ज़रूरत पड़ी तो मेरा इलेक्ट्रॉन तुम दिखा सकते हो ऑन रिकॉर्ड कि हाँ भाई मेरे पास है। यदि ये बोला कि मेरे तुमको ज़रूरत पड़ी तो तुम मेरा दिखा सकते हो इलेक्ट्रॉन कि हाँ भाई ये भी ऑन रिकॉर्ड है, मेरा ही है। तो कहने का मतलब ये शेयरिंग होती है, जब शेयरिंग होती है तो वहाँ से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा? कोवेलेंट, क्लियर। तो होगा क्या हमारे पास, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो एक एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयर कन्वर्ट होकर के बॉन्ड में हो गया तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। तो होता क्या है कि ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। अब आप बोलो कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तो ये आपको चैप्टर नंबर 5 में पढ़ाया जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि मतलब इसके पास ये ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू दिस वन, तो ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन ये दे तो दिया है, शेयरिंग तो कर ले, लेकिन बाद में ये कोशिश करेगा कि इसका इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से मैं ले लूँ, जैसे अभी चाइना कर रहा है ना, कि चाइना ऑलमोस्ट इंडिया की ज़मीन लेने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है ना। तो अब देगा नहीं, वो तो फैक्ट है, ये तो फैक्ट है, वो नहीं देगा। तो वही लॉजिक यहाँ पर भी है, ये भी नहीं देगा, तो क्या करेगा, हमारे पास कंडीशन क्या है कि ये इसको अट्रैक्ट नहीं कराने देगा, लेकिन ये कोशिश करेगा। तो क्योंकि ये कोशिश कर रहा है इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, बात समझ में आ रही, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो यदि आपके पास ये इसको विड्रॉ कर रहा था तो कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज आए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ गेन करने की कोशिश कर रहा है, और इसका कुछ ना कुछ आपकी इसकी पावर कम है तो इससे इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं लॉस होता जा रहा है, लेकिन इंडिया की पावर कम नहीं है, देखो ये बात याद रखना, हाइड्रोजन की कम है। यहाँ पर भी सेम कंडीशन, डेल प्लस आएगा, डेल माइनस आएगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ना कुछ चार्ज सेपरेशन हुआ,
है ना, कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव चार्ज, उनके बीच में कुछ डिफरेंस आया, उसी को बोलते हैं क्या, पोलर। इसलिए आपके पास जो वाटर होता है वो कैसा होता है, पोलर होता है। अब ये समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक होता है हमारे पास। अब हम आपको बोल दें H2O पोलर होता है, हम ना बताएं क्यों होता है, तो आप बोलोगे सर क्या बता दिया आपने। यदि हम आपको ये ना बताएं कि वाटर के साथ ही क्यों डिसोसिएट होता है, क्या ऐसा वाटर के साथ खास चीज़ होती है जो ये डिसोसिएट कर जाता है, क्यों होता है, तो ये डिटेल में पढ़ने के लिए हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? पढ़ना है यदि आपको डिटेल में तो अच्छी बात, नहीं पढ़ना है तो आप केवल इतना समझ सकते हो कि डिसोसिएट करता है वाटर, चाहिए, बात खत्म। आगे अब यदि हम बात करें नॉन पोलर की, तो नॉन पोलर जैसे वाटर, हमने हाइड्रोजन बोल दिया, तो हाइड्रोजन में देखो एच और एस दोनों सेम पावरफुल के हैं, तो ना तो ये इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ना तो ये इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कराएगा। तो जब सेम पावर के होते हैं तो वहाँ पर चार्ज सेपरेशन नहीं होता है, उनको बोलते देते हैं हम नॉन पोलर। तो इसीलिए हमने लिखा हुआ है चार्ज सेपरेशन डज नॉट एग्जिस्ट, किस केस में हो गया, हाइड्रोजन के केस में। क्लियर है, बात समझ में आ गई, इतना कॉन्सेप्ट हमारे पास समझ में आ गया। अब इस पर थोड़ा सा हम और आगे वर्कआउट करते हैं। तो होता क्या है कि जब वाटर को स्प्लिट करते हो आप, तो वहाँ से मिलता है एच प्लस और ओ एच माइनस, क्योंकि ये पोलर होता है, और जितने भी ये आपके पास एसिड और बेस है इनमें केटायन और एनायन होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये भी पोलर होते हैं, इसलिए हमने ये टॉपिक पढ़ाया आपको पोलर का। बात समझ में आ रही है? और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि पोलर पोलर के साथ ही सोलूबल होगा, क्योंकि ये सोलूबिलिटी की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, क्या, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। यदि हमारे पास वो पोलर है तो पोलर के साथ ही कंबाइन होगा, कभी भी नॉन पोलर के साथ कंबाइन नहीं होगा, और डैट इज़ द रीजन कि हमारे पास ये वाटर के साथ ही डिसोसिएशन शो करते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है हमारे पास? तो ये जब वाटर के साथ कंबाइन होगा तो होता क्या है कि जो इसका केटायन है वो इसके एनायन को अट्रैक्ट करता है, और जो इसका एनायन है वो इसके केटायन को अट्रैक्ट करता है। कहने का मतलब कि जब हम रिएक्शन कंप्लीट कराएंगे इसकी किसके साथ, HCl के साथ, तो HCl से क्या मिलेगा, H प्लस और Cl माइनस, तो जो इसका केटायन है वो इसका एनायन अट्रैक्ट करा लेगा, और जो इसका एनायन है वो इसका केटायन अट्रैक्ट करा लेगा, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, HCl प्लस H2O। यहाँ से आपके पास ऑलमोस्ट ये देख लो आप इसको H2O, मतलब यहाँ से आप कह सकते हो हमारे पास क्या कि HCl एक्वस प्लस, इस पर देखिएगा H प्लस H2O, ठीक है, HCl प्लस H2O है ना, मतलब आपके पास यहाँ से क्या जनरेट हो जाएगा, H प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? बात समझ में आ रही है कि मतलब जो उसका आपके पास एनायन पोर्शन होता है वो आपके पास अट्रैक्ट करता है दूसरे केटायन, और जो उसका केटायन है वो अट्रैक्ट करता है एनायन। तो यहाँ से जाकर के हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड आउट होती है, और डैट इज़ द रीजन कि हम यहाँ पर लिखते हैं, जब यहाँ पर हम वाटर कंबाइन करा देंगे तो इसको हम लिख देते हैं क्या, H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। बात समझ में आ रही है? या फिर Cl माइनस एक्वस को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, HCl फॉर्म में, उसको हम H2O भी लिख सकते हैं। बात तो बराबर ही है, देखो वही तो निकल गया हमारे पास जो यहाँ पर आ रहा है ना, कोई डिफरेंस हमारे पास नहीं है ना, तो ये कंडीशन थी हमारे पास। क्लियर? तो इसलिए वाटर पोलर होता है, इसलिए आपका वो पोलर के साथ ही रिएक्शन करता है। तो जब कभी भी आपके पास ये रिएक्शन शो करेंगे, हमेशा उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए किसका, वाटर का। वाटर के बिना ये कभी भी आपका आयंस में स्प्लिट नहीं होंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रही? अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस आती है कि जब एसिड या बेस को कंबाइन कराते हैं वाटर के साथ, क्लियर, तो कौन सी प्रोसेस होती है पूरी तरीके से, ये तो अपने आयंस फर्निश कर देता है क्योंकि स्ट्रांग है, तो इसी को बोलते हैं क्या, डिसोल्यूशन। क्या, डिसोल्यूशन ऑफ एसिड स्लैश बेस। डिसोल्यूशन का मतलब होता है आपके पास यदि हम पढ़ें तो कंप्लीटली मिक्स्ड। क्या, कंप्लीटली मिक्स्ड कि मतलब पूरी तरीके से आपके पास वो उसमें क्या कर जाए, मिक्स कर जाए, तो इसको हम बोल देते हैं क्या, डिसोल्यूशन ऑफ एसिड। और जब कभी भी डिसोल्यूशन होगा तो ऑब्वियसली बात बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स होता है। HCl के बीच में बॉन्ड रहा होगा, NaOH के बीच में बॉन्ड रहा होगा, बॉन्ड का मतलब उनके बीच का अटैचमेंट रहा होगा, तो वो ब्रेक होगा तो वहाँ से आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर? अब देखिए आप इस एक्टिविटी को देखिए, बहुत ध्यान से देखिए हमारे पास इस एक्टिविटी को। अब इस एक्टिविटी में आप देख रहे होंगे कि पहली जो हमारे पास कंडीशन बनी हुई है, फर्स्ट कंडीशन, आप देख रहे होंगे कि कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है, आप उसमें धीरे धीरे उसको ड्रॉप कर रहे हो, एक ग्लास रॉड से सेक करते जा रहे हो। हमने आपको ये भी पढ़ाया हुआ है कि पूरा कंसनट्रेट एसिड एक साथ नहीं डाल सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जो बीकर है वो ब्लास्ट कर सकता है, तो थोड़ा सा आपने डाला। और क्योंकि वाटर आपके पास पुअर कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, बट गुड कंडक्टर होता है किसका, हीट का, हीट को बहुत अच्छे से एब्जॉर्व करता है। तो जो हीट प्रोड्यूस हुई आपने थोड़ा सा उसको स्टीयर कर दिया तो उस हीट को एब्जॉर्व कर लिया उसने, फिर आप और एसिड मिला दो फिर वो हीट को एब्जॉर्व कर लेगा। बात समझ में आ रही? तो वही कंडीशन है, ग्लास रॉड का यूज इसलिए किया गया है,
सॉल्यूशन को स्टियर किया गया। आगे देखो आप क्या लिखा हुआ है, टचिंग द बीकर, जब बीकर को टच कर रहे हैं टू ऑब्जर्व द चेंज इन टेम्परेचर, तो बीकर कैसा लग रहा है हमारे पास, हॉट लग रहा है। तो इसका मतलब जब हमने एसिड को कंबाइन कराया वाटर में तो वहां से आपके पास केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक हुए एसिड के और दैट इज रीजन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुई, इस एक्टिविटी में साफ साफ दिख रहा है। बगल वाले में आप देखो जरा, उसमें लिखा हुआ सोडियम पैलेट्स, पैलेट्स मतलब अभी भी हम बता के गए है ना, पैलेट्स का मतलब हमारे पास जो स्मॉल स्मॉल क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, जब हम उसको कंबाइन कराएंगे फिर स्टीयर करेंगे तो जैसे उसका केमिकल बॉन्ड ब्रेक होगा हमारे पास, वहां से भी आपके पास हीट जनरेट होगी। और लास्ट फिगर में आप देख सकते हो कि जब हमने उसको टच किया तो वहां से आपके पास हीट प्रोड्यूस हुई, दैट मीन्स हम कह सकते हैं आपके पास कि यहां से फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड हुआ। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास, क्लियर है? तो H प्लस और Cl माइनस, क्या सॉरी OH माइनस तभी प्रोड्यूस होंगे जब वाटर के साथ कंबाइन होंगे, जब वाटर के साथ कंबाइन होते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन। सारे आपके एसिड और बेसिड में एक ही चीज़ कॉमन है कि उनमें आयंस तभी डिसोसिएट होते हैं जब आपके पास वो वाटर के साथ कंबाइन किए जाते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उसको हमने ऑब्जर्व भी कर लिया। सो ये था हमारे पास आज का लेक्चर एसिड बेसिज एंड सॉल्ट्स पे, दैट मीन्स जो टॉपिक हमारे पास चल रहा था बेसिस। नेक्स्ट लेक्चर जो हम लेकर आएंगे प्रॉपर एक बड़ा अच्छा सा लेक्चर होगा ऑन द टॉपिक पीएच स्केल। पीएच स्केल से आपको ये पता चलेगा यहाँ पर यूनिवर्सल इंडिकेटर आएगा, याद करो हमने आपको बताया था कि यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है जो कलर की भी आपको बताता है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स कि कौन सा हमारे पास ऑलमोस्ट एसिड स्ट्रांग होगा कौन सा वीक होगा। तो यहाँ पर पूरा आपको डिटेल में पता चलेगा कि क्या पीएच वैल्यू होती है, कैसे हम आपके पास फाइंड आउट करते हैं कि पावर ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड है। सो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। सो टिल देन एंजॉय, बी मोटिवेटेड एंड स्टे फोकस्ड।